वेलकम गाइस, TA 1270 ये देखिए, TA 1270 मॉडल है। तो इसको जो है पिन लॉक लगा हुआ है इसमें, तो हम UMT से करेंगे इसको। मैं बता देता हूँ, बहुत इजी है। सेम तरह से अगर आप कर रहे हो तो UMT पे, वैसे तो हम बेसिकली टूल FRP पे करते हैं, लेकिन इसमें जो है हम MT के टूल पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाएंगे, हमें रीसेट फॉर्मेट पे करना पड़ेगा। तो और यहाँ पे हम इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें करना क्या है, पावर ऑफ करके वॉल्यूम अप और डाउन, योर डाटा केबल कहाँ है हमारी, ये डाटा केबल, तो हम इसको कर देंगे यहाँ पे स्टार्ट, और वॉल्यूम अप और डाउन बटन प्रेस करके कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट जब हुआ है, जब ये ऑन हो गया है, तो ये फास्ट बूट मोड पे आ गया है। तो एक बार हम इसे स्विच ऑफ कर लेते हैं। अब वॉल्यूम अप और डाउन, तो हम इसको स्टॉप कर देंगे और फिर एक बार टिको हटाते हैं, तो फिर से एक बार करेंगे स्टार्ट, फिर एक बार डाटा केबल लगाते हैं। तो ये कनेक्ट होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो एक बार हम डाटा केबल भी चेंज करके देख लेते हैं, क्या पता हमारी डाटा केबल की वजह से प्रॉब्लम आ रही हो। तो हम डाटा केबल एक बार चेंज कर लेंगे। एक बार हम इसे ऐसे ही कनेक्ट करते हैं, तो ये कनेक्ट हो गया है। अब हम इसे स्विच ऑफ कर लेंगे और यहाँ से इसको स्टार्ट कर देते हैं। ये वो नहीं रहा। तो गाइस, UMT प्रो से इसे करना का ऑप्शन है नहीं कोई। नोकिया के कुछ ही मॉडल हैं जो UMT प्रो में हो रहे हैं, बाकी तो और दूसरे हो नहीं रहे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो नोकिया, यहाँ पे नोकिया 3, नोकिया 1, 3.1 प्लस, 2.3, 2.2 और नोकिया 1 प्लस। तो ये कुछ मॉडल हैं जो नोकिया के हो रहे हैं, बाकी तो और कुछ हो नहीं रहा। तो गाइस, इसमें आपको टाइम वेस्ट करना बेकार है। नोकिया के फ़ोन जो है इसमें कुछ ही मॉडल हैं जो हो रहे हैं, बाकी तो अभी आए नहीं, तो क्या पता अपडेट के बाद इनके भी आ जाएं सॉफ्टवेयर। थैंक यू गाइस, तो आप इस पे मेहनत करना छोड़ दें।